मेहनत मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ हम बराबर खड़े हैं, एक हो चाहे दस हो चाहे हजार हो। और हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कहर बंद कर दे, बस इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। और अखिलेश मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तारा ने लगाए हैं एक वर्कशॉप वाले के ऊपर आरोप। 15 दिन पहले दी थी धमकी कि 15 दिन के अंदर गोली मार देंगे, लेकिन यह खबर दिखाएंगे बात को। सबसे पहले हम वो खबर दिखा रहे हैं 2020 में जब कोरोना काल था, उस वक्त अखिलेश गुप्ता ने अंत्येष्टियां कराई बिना लकड़ी के। जो लोग अपने इंसानों को अपने परिवार के लोगों को छोड़कर चले जाते थे, उस समय 2020 में अखिलेश गुप्ता ने लकड़ी भी दी और अंत्येष्टियां भी कराईं। लेकिन उस वक्त भी एचएस था, अपराधी था, और मरने के बाद भी उसका नाम अपराधियों में है। आपको बता दें उस समय का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे कोरोना काल में 2020 में, उस समय अखिलेश गुप्ता ने यह कह दिया था चाहे एक अंत्येष्टि हो लावारिस, चाहे दो हो चाहे हजार हो, सबकी अंत्येष्टियां हम करेंगे और फ्री करेंगे। ये 2020 में आज वही अखिलेश है जिसकी अंत्येष्टि खुद जल रही है और उसके हत्यारों का पता भी नहीं चला। हालांकि पुलिस 24 घंटे पल पल पर जांच कर रही है, शक के दायरे में जो हो रहा है उसको भी उठा रही है, लेकिन अभी पुलिस को कामयाबी संभवतः नहीं मिली है। उधर तारा ने एक वर्कशॉप वाले के ऊपर आरोप लगाकर पुलिस को और सोचने पर मजबूर कर दिया। वो वर्कशॉप वाला कौन है? तारा का ये कहना, 15 दिन पहले उन्हें धमकी दी थी कि हम गोली से मार देंगे। तारा का ये भी कहना, हम आईजी के पास भी गए थे, लेकिन वर्कशॉप वाला कौन है ये खबर हम दिखाएंगे बात को। सबसे पहले हम दिखाते हैं आज सुबह शवगृह के ऊपर अखिलेश गुप्ता का शव पोस्टमार्टम हाउस पर गया, और जाने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और होने के बाद वहां पर क्या क्या हुआ। दोनों बीवियां मौजूद थीं, लक्ष्मी गुप्ता भी मौजूद, तारा गुप्ता भी मौजूद, बाखूबी आप देख रहे हैं दोनों बीवियां मौजूद थीं। लेकिन तारा गुप्ता ने जो आरोप लगाया, तारा गुप्ता ने सब कुछ बताया। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 2020 में अखिलेश गुप्ता ने किस तरीके की इंसानियत और मानवता निभाई, सबसे पहले वो देखिए। हम मेहनत करते हैं करते रहेंगे, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ हम बराबर खड़े हैं, एक हो चाहे दस हो चाहे हजार हो, एक हो चाहे दस हो चाहे हजार हो, एक हो चाहे दस हो चाहे हजार हो। और हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कहर बंद कर दे, और हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कहर बंद कर दे, बस इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो देखा आपने अखिलेश गुप्ता ने न जाने कितनी अंत्येष्टियां करा दी, लावारिसों की दो पैसे नहीं लिए, बाखूबी देखिए अंत्येष्टि खुद भी कर रहे हैं, संस्कार भी खुद करा, और यह भी कहना कि हम तो परमात्मा से दुआ कर रहे हैं ये कहर बंद कर दे। और आज अखिलेश का नामो निशान दुनिया से मिट गया। और उधर अखिलेश की पत्नी ने क्या आरोप लगाया, किसने मारा, एक नया मोड़ आ गया, वो भी देख लीजिए। तुमने किधर मेरी एक बार सुनवाई करी? हाँ गई, हमने हमारे से हाईवे रख ली गई। नहीं बबलू छोड़ा, जो जो लड़का ने जिन्हें चैलेंज करो कि हम तुम्हें 15 दिन के अंदर गोली मार दी, उसमें बकायदा कब लिखो 15 दिन के 20 दिन की बात हुई गई। हालांकि कौन वर्कशॉप वाला है, किससे विवाद हुआ था, ये खबर हम बात को आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन कई आरोप लगाए हैं तारा ने, हालांकि तारा ने पुलिस पर भी आरोप लगाए,
लेकिन उसके बाद आपको बता दें, शव गृह से शव चला पोस्टमार्टम हाउस के लिए। उस वक्त परिवार वालों का क्या हाल था, जरा ये भी देखिए। हालांकि दोनों बीवियां अखिलेश गुप्ता की शव गृह पर मौजूद थीं। लक्ष्मी गुप्ता बाखूबी आप देख रहे हैं, और तारा गुप्ता, दोनों से हमने पूछा तो क्या बताया, सुनते। तुम लोगों के पति की हत्या जो हुई है, तो ये क्या मामला और कैसे? आज चाचा कुछ ना बताए, मैं कुछ ना मालूम, घर से कह के आए 10 मिनट मारे बिटिया देगी हमें, अब यहाँ 10 मिनट में कांड हुई, हमें ना मालूम किधर ऊपर कुछ ना पुलिस ने रखो भाई, तो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे कोई ऐसे मिलने वाले नहीं है जो इनकी हत्या कर पाए, आए हम झूठ कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, किसी से कोई रंजिश थी कभी? ना ये भाई, मेरी 15 दिन पहले यहाँ लड़ाई हो गई थी बर्फ चाप में, तो उनने इधर चैलेंज करो तो कि हम 15 दिन के अंदर तो एक गोली मार दी, उसकी एप्लीकेशन मेरे पास आई, हम पुलिस से चिल्लाए हम उधर जानत नहीं, अरे वो जाप कुमार भाई बनाओ ना, मेरे पास एप्लीकेशन रखी है, मिलना आ रही, हमने दही आए थे, हमने बरेली में भी थे, इनके कोई अखिलेश के मिलने वाले थे, अब एक हमने कुतवाली में भी महिला उसमें गई, हमने कि मेरे पति की जान को खतरा है, आए कोई रंजिश खाना खाओ, इनके लिए खाना लेके आए, फिर हमने जाने इनके घर पे लेट रही, लेट रही, लेट रही, लेट रही। तुम्हें कैसे पता लगा? हमें मेरी बिटिया ने फोन करा, राजू बिटिया ने फोन करो अपने भैया, इनने जाकर के ठेके गोली चली गई है, हमने के कंजड़न से गोली चली गई, आज दरबती जल्दी फोन करो अपने जीजाई, इनने जैसे फोन लगाओ जो बोली जीजी फोन ना उठ रो कि जने उठ रो, हमें ना समझ पाए कि चे हुई रही बहुत, हमने कहा आज देखो बहुत भीड़ है, हमें लगा कोई कांड हुई हो, आज हम तब तक फोन आपको करा था गोली लगने से पहले? ना ना हमें ना करो, आपने करा था? हम तुम इतना करवाए रहे थे, तुरंत ही आओ या तो करते 10 मिनट ना आए, उससे पहले इससे हमने कही, जब हम चिल्लाए तो मोहल्ला गिट्टो हुई गो के खावी गो तारा, आई हमने के गोली चली गई टैंकी पे, आए रे हमने तके दरबती, हमें के नहीं बताओ जाए, तो उन्हें खींच दिया कि मारे के गोली चली गई, हमें जब नहीं मालूम, आए हमने कही थे ये बात सुनी हमने, हम चिल्लाए तो जे लोग सब भाग के आए, मेरी अम्मा जी बहनी मेरी, आए रे अब हमने जब आए गए हमने तब भी नहीं जानी भैया हम कहीं से, थोड़ी बहुत चोट लग गई थी लोग सरकारी अस्पताल। हालांकि तारा गुप्ता ने आपको बता दें, पुलिस को खरी खोटी सुनाई मेडिकल कॉलेज में, और उनका ये कहना था कि हत्यारों ने पहली अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन आपको बता दें पुलिस के लिए एक नया सरदर्द और पैदा हो गया, क्योंकि तारा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वर्षा पाली के ऊपर, उसमें एक नया पेच और पैदा हो गया, लेकिन पुलिस ने गठित कर दी टीमें अखिलेश के हत्यारों को ढूंढने के लिए, और इसके साथ साथ पुलिस की निगाह सब तरफ है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, पुलिस जो है हर चप्पे चप्पे पर पुलिस, बहुत कुछ हो सकता है चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, अंत्येष्टि स्वर्गधाम में जहां पर घटना हुई थी, घटना बाहर हुई लेकिन स्वर्गधाम के अंदर अखिलेश गुप्ता का हो गया संस्कार। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the notification.